तो इंजेक्शन आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। इसे लगाने का बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी आप इंजेक्शन ले आए, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो 3 ml, 5 ml, 10 ml, फिर उसके बाद जो भी इंजेक्शन लगाना है वो आप ले आइए। आप पेन किलर लेके आना चाहते हैं या जो भी आपको डॉक्टर में रिकमेंड करा हुआ है वो इंजेक्शन ले आए। नॉर्मली आप कोई लोहे ऐसा चीज़ ले लीजिए इसे तोड़ने के लिए, तो तोड़ने के लिए आप कैंची का यूज़ कर लीजिए, कोई ऐसे लोहे का यूज़ कर लीजिए और इसके ठीक ऊपर ही मारिएगा और ये टूट जाएगा, क्योंकि ये इसको ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। फिर आप सीरिंज में इसे आराम से भर लीजिए और लगाते वक्त, लगाने से पहले आप इसकी पूरी एयर एक बार प्रेस करके देख लीजिए, निकाल दीजिए। और इंजेक्शन को जब लगाने के लिए आप पहले पेशेंट को ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लीजिए, भले ही मार के करिए या किसी भी चीज़ के करिए, लेकिन नॉर्मलाइज कर लीजिए, क्योंकि पेशेंट अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो इंजेक्शन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, निडल टूट जाती है। तो पहले इंजेक्शन को आप पूरा भर लीजिए और उसके एयर निकालिए और उसके बाद पेशेंट को नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक, ये आपके ऊपर है, ठीक। जैसे ही पेशेंट मान जाता है उस आप हल्का सा पकड़िए उसके हिप्स के जो मसल्स है उसको और लगा दे। और आप देखिए एंगल किस तरीके से रखना है इंजेक्शन का जब लगाते वक्त, ये आराम सा हल्का सा ऊपर रख के इंजेक्शन लगा देना है आपको, हिंदुस्तान के व्यक्ति को देना। मैं वीडियो एक और बार चला देता हूँ और आप देख लीजिएगा ये किस तरीके से इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन लगाना बहुत ईजी है, आराम से उसे भरिए और मसल्स को आप पकड़िए, उसे लूज करने के लिए कहिए मसल को और लूज करके मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो आराम से, आराम से लगवा ले, लगा अरे लगा दे भाई, हो गया, वाह क्या सीन है, लगा दे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।